रोशनी से जगमगाया रिसाड़ा शहर, उमड़ने लगी दसांतरियों की भीड़, नरादर दिखे छोटे बच्चे। रिसाड़ा जगधात्री पूजा में बिना मास घूमते दिखे दसनात्री, मीडिया कर्मियों के कैमरों को देखते ही पहनने लगे मास्क। पूजा में उमड़ने लगी भीड़, खुशी से खिले दुकानदारों के चेहरे, चौकस रही हर तरफ पुलिस। हुगली जिले के चंदन नगर में आयोजित होने वाले विश्व विख्यात जगधात्री पूजा का विसर्जन होने के साथ ही विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त रिसाड़ा की जगधात्री पूजा शुरू हो गई। हालांकि कोरोना संक्रमण के खतरे के वजह से इस वर्ष चंदन नगर में दसनात्रियों की भीड़ नहीं उमड़ी। चंदन नगर की पूजा विसर्जन के साथ ही विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त रिसाड़ा जगधात्री पूजा की शुरुआत हो गई। हालांकि रिसाड़ा में इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले 106 पूजा का आयोजन हुआ है, जबकि पिछले वर्ष इसकी संख्या 101 थी। शुरुआती दौर में रिसाड़ा पूजा पंडाल भी सुनसान पड़े रहे, जिससे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों के चेहरे पर सिकन खिंची रही। लेकिन एकादशी के दिन देर शाम आखिरकार सबके चेहरे खिल उठे। रिसाड़ा जगधात्री पूजा में रात 9 बजे के बाद भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। इस बार जगधात्री पूजा में किसी तरह के मेले का आयोजन नहीं हुआ। पुलिस भी इस दौरान चप्पे चप्पे पर तैनात दिखी, लेकिन उच्च न्यायालय और सरकारी शासन प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर जारी निषेधन और नियमों का जम के उल्लंघन भी हुआ। पुलिस सहायक बूथ के सामने ही बिन मास्क के अधिकांश लोग घूमते हुए पंडाल की फोटो खिंचवाते नजर आए। लोगों ने ना तो सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन किया और ना ही मास्क के नियमों का। पुलिस भी इस दौरान असहाय ही नजर आई। मीडिया के कैमरों को देख औपचारिकता पूरी करने के लिए एक वक्त के लिए लोगों ने मास्क पहन लिए। वहीं खान पीन की दुकान व रेस्टोरेंट में शाम के बाद भीड़ उमड़नी शुरू हो गई, जिससे दुकानदारों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। शुक्रवार को रिसाड़ा जगधात्री पूजा का विसर्जन होना है। इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार किसी भी पूजा कमेटी को शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। प्रशासन की तरफ से विसर्जन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूजा घूमने के दौरान बिन मास्क निकलने वालों से कारण पूछने पर सब बहाना बनाते हुए नजर आए। बिना मास्क घूमने वालों को प्रशासन की तरफ से किसी तरह की रोक टोक करते हुए नहीं देखा गया। বলছি আপনারা কি রিসাড়ায় ঠাকুর দেখতে এসেছিলেন? হ্যাঁ। সরকারি একটা নিয়ম ছিল যে মুখে মাস্ক দেওয়ার, আপনাদের কাউকে দেখলাম না। ঘুরতে এসছেন তো, মুখে মাস্ক নেই কেন? মাস্ক তো আছে, মাস্কের নিয়ম আছে তো, তাহলে মাস্কটা কেন লাগালেন না? তোমারও তো মাস্ক নেই, মুখে মাস্ক কোথায়? कि पूजा में इस बार सरकार और कोर्ट के तरफ से और प्रशासन के तरफ से कड़ी निषेधाज्ञा लागू है कि बिना मास्क लोग पूजा देखने नहीं घूम सकते हैं और मंडप में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद भी बिना मास्क अधिकांश लोगों को घूमते देखा जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये क्या सिर्फ एक नियम लागू है कि मास्क पहनना जरूरी है? देखिए, जरूरी तो है मास्क पहनना, पर जैसा कि कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है, उस गाइडलाइंस का उल्लंघन पूरी तरह से हो रही है और ये सरकार जो है पूरी तरह से विफल है। यहाँ प्रशासन अगर ये लोग चाहते तो इसको बारीकी से ध्यान देते हुए पकड़ के या तो फाइन करे या लोगों को सतर्कता के लिए कुछ भी रिश्ता में, पूरा रिश्ता में घूमिए मास्क लेके। सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए सब लगाया गया है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। इंसान तो खुद से सतर्क नहीं होगा, इसमें प्रशासन का पूरा हेल्प चाहिए था कि आप बिना मास्क के प्रशासन अनाउंस करे, बिना मास्क के जो लोग घूम रहे उसे पकड़े। ये पूरा पूरी विफल है। सिर्फ नाम के लिए हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है कि ये हम लोग बिना मास्क के। अभी आपके रविन्द्र सोनी जगधात्री पूजा में एक सिविक वॉलंटियर जो ड्यूटी कर रहे थे उनको भी बिना मास्क का देखा गया और हमारे कैमरा में आने के बाद उन्होंने मास्क लगाया, क्या कहेंगे? तो वही मैं बताया ना कि सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए है, खुद लोग सतर्क नहीं है। जब प्रशासन ही सतर्क नहीं है तो पब्लिक और जनता क्या सतर्क रहेगी? आपका नाम बताइए। आपका नाम क्या है? मनोज सिंह। कहाँ पर रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, इसी क्लब का मेंबर हूँ।